हे गाइस, वेलकम बैक टू अदर न्यू वीडियो। आपका स्वागत है एसएन वेकलॉगर चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैलिस का मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको फॉल्स रिप्रेजेंटमेंट, डिफेमेशन, ये सारे बताए थे। डिफरेंस बिटवीन असॉल्ट एंड बैटरी बताया था। अगर आपने वो सब वीडियोस नहीं देखा तो आप जाके देख लो। इतना दूर मैंने आपको पढ़ा दिया तो आपका सारा बेसिक जो है टॉर्ट लॉ का आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग कुछ और भी हम लोग आज पढ़ेंगे, दैट इज मैलिस। अब मैलिस क्या होता है ये सब भी हम लोग आप पढ़ेंगे। अगली वीडियोस में आपको न्यूसेंस के बारे में मिलेगा जानने को, ट्रेसपास के बारे में जानने को मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो पे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब आप कर दो ताकि आपको और भी लॉ ऑफ टॉर्ट से रिलेटेड वीडियोज मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो मतलब क्या होता है मैलिस का? मैलिस का मतलब होता है व्हेन एन एक्ट इज डन विद बैड इंटेंशन। कोई भी एक्ट, मतलब हुआ कि ए ने बी के साथ कोई एक्ट किया, गलत काम किया विद बैड इंटेंशन, इट इज कॉल्ड मैलिस। अब मैलिस जो है इसका क्लासिफिकेशन हम लोग और करेंगे तो दो डिवीजन आएंगे। पहला डिवीजन रहेगा मैलिस इन फैक्ट एंड मैलिस इन लॉ। क्रिमिनल लॉ में ये इंडिकेट करता है इंटेंशन। मैलिस का मतलब आता है बैड इंटेंशन। कोई भी एक्ट होता है, एनी एक्ट विच इज डन in bad intention, that is called malice, or without lawful justification या फिर excuse to commit an act, that is unlawful type। सिंपल सा मतलब आता है malice का कि A ने कोई गलत काम किया, certain act किया, गलत काम आप छोड़ दो, certain act किया, कोई एक तो काम किया with bad intention and without any lawful justification or excuse, that is called malice। मैलिस का दो डिवीजन मैंने आपको बता दिया। पहला आता है मैलिस इन फैक्ट एंड मैलिस इन लॉ। तो हम दोनों अब इन दोनों डिविजन्स को एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है मैलिस इन फैक्ट। तो सबसे पहला डिवीजन पे हम लोग आते हैं, दैट इज मैलिस इन फैक्ट। एक्सप्रेस और एक्चुअल मैलिस और मैलिस इन फैक्ट मीन्स एन एक्ट डन विद इल विल टुवर्ड्स एन इंडिविजुअल। इसमें आपका मतलब आपका आता है ये है कि ए ने कोई एक्ट किया विद इल विल और विद बैड इंटेंशन टुवर्ड्स बी, टुवर्ड्स एन इंडिविजुअल, मतलब टुवर्ड दूसरे की तरफ कोई गलत काम किया विद बैड इंटेंशन या फिर कोई काम किया विद बैड इंटेंशन। मैलिस देयरफॉर इन ऑर्डिनरी और पॉपुलर सेंस, मैलिस जो है इसका सिंपल सा मीनिंग आता है, मैलिस इन फैक्ट का मीनिंग आता है इल विल, हेट्रेड, एमिनिटी अगेंस्ट अ पर्सन। बट जो इम्प्लाइड मैलिस है उसका मतलब आता है कि अ रॉन्गफुल एक्ट डन इंटेंशनली विदाउट एनी जस्ट कॉज और एक्सक्यूज। इसका मतलब यह आता है, मतलब इम्प्लाइड मैलिस जो है इसका मीनिंग यह है कि कोई भी रॉन्गफुल एक्ट हुआ है इंटेंशनली विदाउट एनी जस्ट कॉज और एक्सक्यूज। तो इसमें आपको तीन पॉइंट आपको याद रखना होगा। पहला आता है अ रॉन्गफुल एक्ट हैज बीन डन। सेकेंड, ये हुआ है, ये जो रॉन्गफुल एक्ट है ये इंटेंशनली हुआ है। और थर्ड, विदाउट एनी जस्ट कॉज और एक्सक्यूज। सो जहां पर भी वायलेशन ऑफ लीगल राइट आता है तो लॉ प्रिज्यूम कर लेता है कि कोई रॉन्ग या लीगल इंजरी हुआ है, इम्प्लाइड मैलिस हुआ है। अगर किसी आदमी का, मान लीजिए सपोजिटली ए का लीगल राइट वायलेट नहीं होता है पर उसको डैमेज होता है तो लॉ उसको प्रिज्यूम नहीं करेगा एज इम्प्लाइड मैलिस। बट अगर उसका लीगल राइट वायलेट होता है देन इट विल बी नोन एज मैलिस। ओके, लीगल इंजुरी होता है, इम्प्लाइड मैलिस होगा। दस द टर्म्स लीगल मैलिस एंड इम्प्लाइड मैलिस, ये दोनों जो टर्म मैंने आपको बताया ये दोनों आइडेंटिकल है इन मीनिंग, दोनों का मीनिंग एक ही है। अब हम लोग केस लॉज में आते हैं। तो केस लॉ पहला आता है इन द केस ऑफ टाउन एरिया कमिटी वर्सेस प्रभु दयाल। इस केस में क्या हेल्ड किया गया था? इस केस में हेल्ड किया गया था कि अगर कोई एक्ट, इफ द एक्ट वाज डन इज लीगल देन द मोटिव इज कंसिडर्ड टू बी इमैटेरियल फॉर द फैक्ट्स ऑफ द केस। अगर कोई एक्ट किया गया है, सर्टेन एक्ट हुआ है विथ विच इज लीगल, देन जो मोटिव है, जो भी जिस भी कारण से आप कर रहे हो वो एक्ट, दैट थिंग इज कंसिडर्ड टू बी इमैटेरियल। किस कारण से कर रहे हो वो फर्क नहीं पड़ता है, पर अगर आप वो काम लीगली कर रहे हो तब। सिंपल सा मतलब आपका आता है अगर कोई आदमी कोई एक्ट करता है विच इज लीगल, विच इज डन legally, then the motive is considered to be immaterial for the facts of the cases. आपका कुछ दो और केसेस आता है, that is Bradford Corporation versus Pickle and Vishnu Vasudev versus THS Pierce. अगर आपको इन दोनों केसेस के बारे में डिटेल में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. अब हम लोग बढ़ते हैं malice in law. malice in law और legal malice, ये जो टर्म है ये प्रैक्टिकली सुपरफ्लुअस है. As in law, every tortious act is impliedly malicious on account of its being a legally wrongful act. इसका मतलब आपका ये आता है कि जो malice in law है ये आपका intentionally, इसका मतलब आपका ये आता है कि कोई भी एक आदमी supposedly A and B है, A ने कोई certain act किया intentionally जिससे B को damage हुआ. A ने कोई wrongful act किया, ओके, जिससे B को डैमेज हुआ विदाउट एनी जस्ट कॉज और एक्सक्यूज, देन इट इज कॉल्ड मैलिस इन लॉ. एन एक्शन डिटरमाइंड बाय एन इम्प्रॉपर मोटिव. तो मैलिस इन फैक्ट और मैलिस इन लॉ के बीच में डिफरेंस क्या हुआ? मैलिस इन फैक्ट में आपका आता है, मैलिस का जो मीनिंग है मैलिस इन फैक्ट में, इसका मतलब आता है इल विल, दूसरे के प्रति गलत भावना रखना, ओके. बट इन मैलिस इन लॉ, ये मैं आपको बताता हूं थोड़ा रुक के, इसमें हम लोग पहले केस लॉ में आ जाते हैं. तो मैलिस इन लॉ जो है एक केस लॉ से डिफाइन किया गया है, शेरर वर्सेस शील्ड्स. इसमें ये डिफाइन किया गया है मैलिस इन लॉ को, अ पर्सन इन्फ्लिक्टिंग इंजुरीज अपॉन अदर पर्सन इन कंट्रावेंशन विद द लॉ cannot take the defense that he did so with an innocent mind. इसका मतलब आपका ये आता है कि कोई भी एक आदमी supposedly A दूसरे को इंज्योर करता है इन कंट्रावेंशन विद द लॉ, मतलब कि लॉ को वायलेट करते हुए दूसरे आदमी को इंज्योर करता है, तब जो इंज्योर किया है दैट इज A, he cannot take the defense. वो डिफेंस ये नहीं ले सकता कि वो इनोसेंटली किया या फिर वो इनोसेंट माइंड से किया है. एक और केस लॉ इसमें आता है मेलिया वर्सेस नीटा. अगर आपको इस केस के बारे में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. अब हम लोग आते हैं डेफिनेशन ऑफ मैलिस विद द हेल्प ऑफ केस लॉ. मैलिस का सिंपल जो नॉर्मल मीनिंग है उसका मतलब आपका आता है इल विल अगेंस्ट अ पर्सन, गलत भावना रखना दूसरे के प्रति. बट अगर हम लोग उसी चीज को लीगल सेंस में ले लें तो इसका मतलब आ जाएगा कि कोई रॉन्गफुल एक्ट किया जाता है. बट अगर हम लोग उसी चीज को लीगल सेंस में लें देन इट मीन्स अ रॉन्गफुल एक्ट डन इंटेंशनली विदाउट जस्ट कॉज और एक्सक्यूज. कॉज नहीं होगा, एक्सक्यूज होगा. तो इसमें सिंपल सा क्या मतलब आ रहा है, लीगल सेंस का क्या मतलब आ रहा है? लीगल सेंस में मतलब आपका ये आ रहा है कि कोई भी रॉन्गफुल एक्ट होता है विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन, बट ये एक्ट जो होता है रॉन्गफुल एक्ट ये इंटेंशनली होता है. आई होप कि आपको मैलिस इन लॉ एंड मैलिस इन फैक्ट क्लियर हो गया होगा. अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. मैं क्लैट का क्रैश कोर्स करा रहा हूं, तो अगर आप लोग क्लैट 2021 दे रहे हो तो आप जरूर दो. मैं आपका क्रैश कोर्स का वीडियो का लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा. तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूले ताकि आपको और भी लॉ से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहे. तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ. थैंक यू.